मेष राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जनवरी के दूसरे सप्ताह यानी 8 जनवरी से 14 जनवरी 2021 तक मेष राशि वालों का समय कैसा रहेगा। तो अगर आपकी मेष राशि है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में 8 जनवरी की। 8 जनवरी को चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा। तुला राशि में ये आपके राशि स्थान से सप्तम भाव में होंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा के होने से आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आपको पार्टनरशिप में काफ़ी फायदा हो सकता है, नई आप कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा का सप्तम भाव में आना आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये समय में आप किसी के साथ भी काम कर सकते हैं या फिर आप अकेले भी काम करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो कोई भी नए बिजनेस के स्टार्टअप के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। साथ ही आपको आपके पार्टनर का काफ़ी अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा और मैरिड लाइफ में कोई समस्या अगर चल रही थी तो वो दूर होगी। इस समय में क्योंकि चंद्रमा सप्तम में है तो ये आपके लाइफ पार्टनर को थोड़ा सा भावुक बनाएगा और उनको जो है कल्पनात्मक जो शक्ति है मस्तिष्क में वो देगा। यानी हम कह सकते हैं चंद्रमा कल्पना शक्ति का कारक होता है, तो ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कल्पनाशील बनाएगा जिसकी वजह से उनके मन में बहुत सारे विचार ऐसे आ सकते हैं जो सिर्फ कल्पनाएं ही हो सकती हैं। अब वो कल्पनाएं छोटी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं, तो कुछ इस प्रकार के विचार आपके भी मन में आए क्योंकि चंद्रमा यहाँ से आपके राशि स्थान को देखेंगे। तो जो लोग कोई राइटिंग के क्षेत्र में हैं, जो लेखक हैं, उनके लिए ये चंद्रमा का गोचर काफ़ी कुछ देने वाला है। साथ ही साथ इस समय में आपको कोई प्रॉपर्टी से संबंधित फायदा हो सकता है। चंद्रमा का सप्तम भाव में गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए आपकी सेहत के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको अपनी फैमिली का भी अच्छा सहयोग मिलेगा और आपका जो पार्टनर है वो आपका पूरा सहयोग करने के लिए हमेशा इस समय में तत्पर रहेगा। इसके बाद 9 और 10 जनवरी को चंद्रमा एक राशि आगे बढ़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का होना आपके लिए कोई एक्सीडेंट का चांस बन सकता है। चंद्रमा का आपके अष्टम भाव में गोचर से ये दिखाता है कि अचानक धन का लाभ हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको धन का नुकसान भी हो सकता है। चंद्रमा की स्थिति बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी कुंडली में। साथ ही साथ चंद्रमा का अष्टम में आना ये दिखाता है आपको अपने फादर से या फिर आपको अपने इन-लॉज से धन का लाभ हो सकता है। इस समय में आपकी रुचि अकल्ट में रहेगी। साथ ही चंद्रमा यहाँ से सेकेंड हाउस को देखेंगे तो अचानक धन का नुकसान करवा सकते हैं या धन की वृद्धि करवा सकते हैं। ये समय में आप कहीं ना कहीं बचत करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। तो सेकेंड हाउस में राहु चल रहे हैं और राहु की दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि होने से चंद्रमा को वो प्रभावित करेंगे तो आपका मन जरूर प्रभावित होगा और कुछ एक्सीडेंट जैसा बन सकता है या कोई भी घटना ऐसी अच्छी घटना भी हो सकती है जो आपके जीवन को आने वाले समय के लिए पूर्णतया बदल सकती है। तो ये घटना आपके धन से संबंधित हो सकती है या किसी अन्य कार्य से संबंधित भी हो सकती है। ये समय आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का रहने वाला है। तो चंद्रमा का अष्टम भाव में गोचर है तो उन लोगों को ज़्यादा लाभ होगा जो कोई रिसर्च के कार्य से जुड़े हैं, जो कोई खोज कर रहे हैं, कुछ नया ढूंढ के निकाल रहे हैं, और विशेषकर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ देखिए चंद्रमा का अष्टम भाव में गोचर है तो जो अकल्ट का काम करते हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। चंद्रमा सेकंड हाउस को देख रहे हैं तो परिवार से अच्छा सहयोग मिलेगा। साथ ही आप अगर परिवार के साथ अच्छे संबंध रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा साबित होगा ये समय। साथ ही साथ चंद्रमा का वाणी स्थान को देखना, वाणी में बहुत ज़्यादा विनम्रता लाता है। कुछ भोजन संबंधी आदतों में आपके परिवर्तन देखा जा सकता है। इस समय में आपको नॉनवेज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चंद्रमा का जो अगला गोचर होगा वो होगा 11 और 12 तारीख को। चंद्रमा एक राशि आगे बढ़कर धनु राशि में चले जाएंगे। तो चंद्रमा का नवम भाव में गोचर स्टार्ट हो जाएगा और 11 और 12 तारीख को जो नवम भाव में गोचर होगा वो इन स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा जो विशेषकर हायर एजुकेशन से जुड़े हैं। कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए 11 और 12 जनवरी का समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा का 9th हाउस में जाना ये दिखाता है भाग्य से आपको सपोर्ट मिलेगा, फादर का अच्छा सहयोग मिलेगा, साथ ही साथ कुछ दूर की यात्राओं से फ़ायदा आप ले सकते हैं।
इस समय में कुछ छोटी दूरी की यात्राएं आप कर सकते हैं क्योंकि चंद्रमा थर्ड हाउस को देख रहे हैं। साथ ही अगर आप मीडिया के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ या इंटरनेट के माध्यम से या कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं तो काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। चंद्रमा का नवम भाव में आना आपको कोई धार्मिक यात्रा दे सकता है, धार्मिक कार्यों में रुचि देगा, साथ ही धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में भी आपकी रुचि रहने वाली। तो चंद्रमा का आपके नवम भाव में गोचर आपको काफी कुछ देने वाला है। इस समय में आपको कहीं टूर करने का मौका मिल सकता है, चाहे आप अपने फैमिली के साथ जाएं या आप अकेले घूमने जा सकते हैं। तो इस समय में जो भी यात्राएं आप करेंगे उससे काफी लाभ आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। और कोई प्लानिंग आप कर सकते हैं अगर आप अभी यात्रा नहीं कर रहे हैं, कोई लंबे समय के लिए आप अगर प्लानिंग करना चाहते हैं वो भी इस समय में कर पाएंगे। साथ ही साथ नवम भाव में चंद्रमा का आना आपको प्रॉपर्टी के मामले में काफी ज्यादा भाग्यशाली साबित होगा। साथ ही साथ जो लोग प्रॉपर्टी का कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय काफी अच्छा रहने वाला है। इसके बाद जो चंद्रमा का गोचर होगा 13 और 14 तारीख को, यानी 13 और 14 जनवरी को, वो आपके दशम भाव में होगा। दशम भाव में चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, यहाँ पर ये गुरु और शनि के साथ रहने वाले हैं। तो चंद्रमा का दशम भाव में गोचर होना ये जॉब से संबंधित आपको थोड़ी चिंता दे सकता है। इस समय में ज्यादा से ज्यादा आपका ध्यान अपने कार्य पर रहेगा, जॉब पर रहेगा, आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के बारे में सोच सकेंगे। तो ये समय में कोई जॉब में यहाँ पर परिवर्तन देखा जा सकता है। साथ ही साथ जो लोग बहुत लंबे समय से जॉब की तलाश में हैं उनको कहीं काम मिल सकता है, जो पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनका प्रमोशन हो सकता है, या कोई अच्छा आपको ऐसा मौका बन सकता है जहाँ पर आपके ऊपर कोई और जिम्मेदारी डाली जा रही हो और आप उस काम को भी काफ़ी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो जॉब चेंज कर सकते हैं आप, साथ ही साथ नया जॉब भी आपको मिल सकता है। चंद्रमा का दशम भाव में गोचर करना आपको कई बार थोड़ी सी चिंता में भी डाल सकता है, और शनि के साथ क्योंकि चंद्रमा की युति होगी यहाँ पर और बृहस्पति के साथ भी होगी, तो ये समय में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ या प्रोफेशनल करियर पर देना चाहिए। चंद्रमा यहाँ से आपके फोर्थ हाउस को देखेंगे, फोर्थ हाउस पर उनकी दृष्टि अपनी खुद की ही राशि पर पड़ेगी, तो आपको कोई सरकार से लाभ मिल सकता है, घर का जो माहौल है काफ़ी पसंद आएगा आपको और घर से लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप घर में कोई निर्माण कार्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। माताजी के साथ आपके संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे, उनका अच्छा सहयोग आपको देखने को मिलेगा और आपका जो लगाव है अपनी माताजी से वो काफ़ी ज़्यादा इस समय में बढ़ेगा। साथ ही साथ चंद्रमा का फोर्थ हाउस को देखना प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। ये समय में आपको विशेषकर प्रोफेशनल लाइफ में प्रगति मिल सकती है। तो जो लोग बहुत लंबे समय से किसी काम को पाने के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका हो सकता है, और ये पूरा वीक अगर देखा जाए तो शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लेकिन 9 और 10 जनवरी का जो समय है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, किसी दुर्घटना के चांसेस बनते हैं। इसके अलावा ओवरऑल काफ़ी अच्छा ये वीक मेष राशि वाले जातकों के लिए जाने वाला है। तो इस वीक में आपके लिए जो शुभ रंग रहेगा गुलाबी रंग आपके लिए शुभ रहेगा, और आपके लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 6। तो फिलहाल बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।